सॉल्ट्स क्या होते हैं? जब एक एसिड एक बेस से रिएक्ट करेगा, जब एक एसिड एक बेस से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? सॉल्ट बन जाएगा। इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब सुनो, जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है तो उसपे तो क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे कि व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक, व्हाट हैपेंस व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस, तो तुम्हें लिखना है सॉल्ट इज फॉर्म, और रिएक्शन को क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और सॉल्ट के साथ हमेशा क्या बनेगा? वाटर। सुनो, लेकिन कभी कभी यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में ही तुमको इंडिकेटर्स के भी क्वेश्चन आते हैं। किसके क्वेश्चन आते हैं? इंडिकेटर्स। याद है हम लोगों ने एसिड बेसिस के इंडिकेटर्स लिखे थे। अब इस इंडिकेटर्स पे क्वेश्चन कैसे आते एग्जाम में कि बोलेंगे एक सोल्यूशन था जिसमें जब हम लोगों ने फिनोफ्थलीन डाला तो वो कलरलेस था, ठीक है ना। फिर इसमें दूसरा सोल्यूशन डाला तो वो क्या हो गया? कुछ टाइम बाद पिंक हो गया। तो अगर वो एसिड होगा तो वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा? बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर बोला कि एक रेड कलर का एक सोल्यूशन था जिसको में हम लोगों ने क्या करा? मिथाइल ऑरेंज डाला तो वो कौन से कलर का हो गया? रेड का। जब उसमें हम लोगों ने NaOH डालना स्टार्ट किया तो वो ऑरेंज कलर का हो गया। ऑरेंज कलर का होना, NaOH क्या था? एक बेस। और एसिड और बेस जब मिलेंगे तो क्या जो सॉल्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। और वो न्यूट्रल हो जाएगा तो उसका कलर क्या हो जाएगा? ऑरेंज। के एग्जाम में इस तरह के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। हाँ ठीक है, बोलो कोई परेशानी? आगे जाएं। अब सॉल्ट्स क्या होते हैं? जब एक एसिड एक बेस से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेंगे? सॉल्ट्स बनेंगे। और रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे। अब अगर हम लोग सॉल्ट्स की बात करें तो चार तरह के सॉल्ट्स होते हैं। कितने तरह के सॉल्ट्स होते हैं? चार। सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, वीक एसिड एंड वीक बेस। आया समझ में? अब सुनो, स्ट्रॉन्ग बेस बोलो NaOH 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 NaOH, बोलो वीक बेस NH4OH, वीक बेस NH4OH, weak base NH4OH, strong acid HCl, strong acid HCl, weak acid H2CO3, H2CO3 is carbonic acid और acetic acid, carbonic acid और acetic acid, acetic acid क्या होता है? HCOOH या CH3COOH, CH3COOH, बोलो कोई परेशानी? अब सुनो, यहाँ लिया HCl, यहाँ लिया NaOH। अब सुनो, HCl में से H और NaOH में से OH मिलकर क्या बना लेगा? H2O। ये OH और ये H मिलाकर क्या बना लेगा? H2O। तो बचा क्या? Na और Cl। तो हमारा जो सॉल्ट बना वो क्या बना? NaCl, जो कि एक न्यूट्रल सॉल्ट होगा क्योंकि इसमें एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ वीक एसिड क्या लिया है अपन ने? H2CO3। वीक बेस क्या लिया है अपन ने? NH4OH। अब यहाँ से लेंगे OH और यहाँ से लेंगे H, तो ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे? H2O। साथ में क्या बच गया? NH4CO3। तो यहाँ पे सॉल्ट क्या बनेगा? NH4 twice CO3। ऐसा क्यों? क्योंकि NH4 की वैलेंसी होती है 1 और CO3 की वैलेंसी होती है 2। तो ये क्या बनेगा? NH4 twice CO3। ये भी न्यूट्रल सॉल्ट होगा क्योंकि यहाँ पे एसिड भी वीक है और बेस भी वीक है। अब आओ ऊपर, सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अगर वीक एसिड है और बेस स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट का नेचर क्या होगा? बेसिक। जो चीज स्ट्रॉन्ग होगी नेचर क्या करेगा? उससे मैच करेगा। जो चीज स्ट्रॉन्ग होगी नेचर किससे मैच करेगा? उस चीज से, क्योंकि यहाँ पर बेस स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर बेस स्ट्रॉन्ग है। तो इससे जो भी सॉल्ट बनेगा उसका नेचर क्या रहेगा? बेसिक। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग होता तो जो सॉल्ट रहता उसका जो नेचर रहता वो कैसा रहता? एसिडिक रहता। क्लियर? अब सुनो, हमने वीक एसिड कौन से देखे थे? H2CO3 और CH3OOH। स्ट्रॉन्ग बेस तो दोनों केस में हम लोगों ने क्या लिया है? NaOH, है ना। H और OH मिलके क्या बना लेंगे? H2O। H और OH मिलके क्या बना लेंगे? H2O। बाकी बचा यहाँ पे Na2CO3, यहाँ पर बता CH3COO और यहाँ से क्या बचा? Na। तो ये जो सॉल्ट्स होंगे दोनों का नेचर कैसा होगा? बेसिक, क्योंकि यहाँ पर बेस क्या है? स्ट्रॉन्ग है। सिमिलरली सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अब एसिड क्या है यहाँ पे? स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर जो सॉल्ट का नेचर होगा वो कैसा होगा, एसिडिक होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड अपन ने कौन सा लिया, HCl। वीक बेस अपन ने कौन सा लिया, NH4OH। तो H और OH मिलके तो क्या बना लेंगे, वाटर। रह का गया NH4Cl और ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे, एसिडिक सॉल्ट। इज दैट क्लियर। NaCl कॉमन सॉल्ट होता है, नमक है, टाटा का नमक जो तुम खाने में खाते हो, ठीक है। इसका केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। लैब में कैसे बनता है, NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। H और OH मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, H2O। रह का गया Na और Cl यानी कि NaCl। आई बात समझ में। ये लैब में ऐसे बनाते हैं, ठीक है। बट कमर्शियली हम लोग इसको ऐसे नहीं बनाते क्योंकि महंगा पड़ता है। कमर्शियली ये कैसे बनता है, इवोपरेशन ऑफ सी वाटर से। किससे बनता है, इवोपरेशन ऑफ सी वाटर से। तो एक सोर्स तो क्या है इसका कमर्शियल लेवल पे, सी वाटर। दूसरा सोर्स कौन सा है, रॉक सॉल्ट। दूसरा सोर्स क्या है, रॉक सॉल्ट। बेसिकली जो पत्थर रहते हैं ना, ये पत्थर सारे इमर्ज होते हैं सी से। कहाँ से इमर्ज होते हैं, और क्योंकि ये सारे पत्थर सी से इमर्ज होते हैं, तो जब बहुत साल पहले क्या हुआ था, सीस जो थे वो सूख गए थे। तो जो सीस पे सॉल्ट थे वो सारे कहाँ डिपॉजिट हो गए, पत्थरों पे। कहाँ डिपॉजिट हो गए, तो वो जो डिपॉजिटेड सॉल्ट रहता है पत्थरों पे उसे हम लोग क्या कहते हैं, रॉक सॉल्ट। कभी कभी एग्जाम में 1 मार्कर्स में रॉक सॉल्ट का डिफाइन भी आता है। इज दैट क्लियर। एक बार यूजेस क्या होते हैं NaOH के, 3। एडिटिव इन फूड, बिना नमक के आप खाना नहीं खा सकते। दूसरा एज अ प्रिजर्वेटिव, अचार में एक्सेसिव अमाउंट में डलता है, पता नहीं कौन कौन सी चीजों में आप सॉल्ट डालते हो, क्यों, उसको प्रिजर्व करने के लिए। थर्ड, बहुत सारे सोडियम के कंपाउंड्स जैसे कि सोप, डिटर्जेंट्स, ग्लास, बेकेलाइट, ये सब काय के बनते हैं, सोडियम के बनते हैं, सोडियम क्लोराइड के बनते हैं यानी कि कॉमन सॉल्ट से बनते हैं। क्योंकि सोडियम का नेचर में सबसे अबंडेंट सोर्स, ऐसा सोर्स जो सबसे ज्यादा है, वो कौन सा है, सोडियम क्लोराइड। इज दैट क्लियर।